हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। मैं रुका हूँ श्रीनगर में, और अगर आप श्रीनगर आ रहे हो, अमरनाथ जा रहे हो, तो आपको श्रीनगर में पंथा चौक आना है। यहाँ पर अमरनाथ का शिविर लगा हुआ है और इस टाइम हो रही है डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी मतलब बहुत लोग तो खा चुके हैं, मैं खाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ खाने में क्या मिल रहा है। और यहाँ कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है जी, बहुत भीड़ है, क्योंकि दो तीन दिन से यात्रा बंद थी, यात्रा खुल गई है तो लोगों का तांता लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइन कितनी लंबी है खाना खाने के लिए। तो चलो मेरे साथ देखो इस पंडाल में क्या क्या मिल रहा है। तो अगर आपको कंबल लेने हैं, यहाँ पर आपको 250 रुपये एक कंबल के सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी और आपको वो सुबह वापस मिल जाएंगे। तो ये सर हैं ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा। आप यहाँ से कंबल ले सकते हो 250 रुपये सिक्योरिटी देके, और सुबह 5:30 बजे के बाद कंबल वापस करके 250 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो अब इसकी लाइन देखो कंबल की कितनी लंबी है। ये तो अभी मैं आपको कंबल की लाइन दिखा रहा हूँ, अभी खाने की दिखाऊंगा ना, पर आप कहोगे कि हाँ भाई भीड़ तो बहुत है, पर यहाँ लोग खाना खा रहे हैं। तो अब दिखाता हूँ आपको लाइन, अब चलते हैं लाइन देखते हैं कितनी लंबी है। बस आप चलते चलो और देखते चलो लाइन खाने की। रात के 10:15 बज रहे हैं इस टाइम, और मुझे लग रहा है जो सबसे आखिर में खड़ा होगा उस बंदे का नंबर 11-12 बजे से पहले तो नहीं आता। नहीं, अब लाइन छोटी होगी थोड़ी, पहले से यहीं तक ही है, नहीं अभी और पीछे जा रही है, बस यहाँ तक है लाइन। पर अब आपको दिखाता हूँ रहने का क्या इंतज़ाम है। ये देखो आप, यहाँ मेल्स फीमेल्स दोनों फैमिली सब रह सकते हैं इस वाले पंडाल में। सबने कंबल ले लिए हैं, जिन्होंने खाना खा लिया है कंबल ले लिए हैं, वो सो गए हैं। कई लोगों ने कल यात्रा पर जाना है, जिन्होंने यात्रा पर जाना है उनमें अभी हिम्मत थोड़ी बाकी है, और जो यात्रा से हो आए हैं वो थक के सो गए हैं। और भीड़ इतनी है आप देख रहे हो। और ये वाला जो पंडाल है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, यहाँ सिर्फ लेडीज़ रुक सकती हैं, मेल्स नहीं रुक सकते। ये भैया सब इंतजाम देख रहे हैं कि कोई खाना खा रहा है, खाना खा रहा है तो उसकी प्लेट में कुछ बचना नहीं चाहिए। ये प्रसाद है, हाँ जी, घर का भोजन नहीं है। हाँ जी, हमारा निवेदन है सभी तीर्थयात्रियों से, इसको प्रसाद समझ के ले, ना कि इसको भोजन। थाली में छोड़ने से अन्न है इसका बहुत बड़ा पाप पड़ता है, सही बात, अन्न को हम नाले में नहीं फेंकेंगे। सही बात, और एक पंडाल ये है, यहाँ भी मेल्स फीमेल्स दोनों फैमिलीज वैमिली सब इकट्ठे रह सकते हैं। लाइटें थोड़ी बंद हो गई हैं क्योंकि लोग सो गए हैं। लंगर चल रहा है, और पीछे बर्तन धोने की व्यवस्था है, खाना खाने के बाद प्लेट रखने यहाँ पर आना होता है। आप देखो गर्म पानी में बर्तन धुल रहे हैं,
ये इंतजाम बहुत बढ़िया है। भगत जी जय बोले की जय शंकर के वीर बजरंगे तो मैं डिनर करने वाला हूँ, खाना खाने वाला हूँ। భక్త మహాశయులందరికీ కూడా ముఖ్య విజ్ఞప్తి, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదిత్య గారు ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమానికి 1,000 రూపాయలు అన్నదానానికి రాయించారండి. వాళ్ళకి వారి కుటుంబానికి అందరికీ కూడా ఆ అమరేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం 2,000 ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. హరణ మా పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ जय बोले की सभी भक्तों से अनुरोध है जिन्होंने खाना खा लिया कृपया लंगर पंडाल को खाली करने का कष्ट करें। पहले खाता हूँ कड़ी के साथ। आरवीजी सुब्बराजु गारु ये ऊरंडी हैदराबाद की 100 रूपये समर्पिंचारु। और खीर जिसमें किशमिश भी दिख रही है। हैदराबाद राइस में थोड़ी कड़ी भी मिला लेता हूँ, दाल तो पहले से है ही, दोनों को मिक्स। इंका मन आंध्र वाले एक्कडुन्ना अन्न सहकरिंचंडि स्वामी वर मन को एंत इच्चारो अंटे సంవత్సరంలో 41 రోజు మాత్రమే అమరేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం ఉంటుంది. క్యా ఖీర్ బనీ హై చెప్పు నాన్నగారు, క్యా కడీ ఔర్ క్యా దాల్ చావల్ మత్లబ్ శ్రీరామకృష్ణ గారు ఖానా ఖాతే వక్త్ ఆప్ కుచ్ ఇస్మే థాలీ మే ఛోడ్ నీ సక్తే జబ్ థాలీ రఖనే జావోగే నా తో రాస్తే మే వో రోక్ లేతే హై కహతే హై బోలే పహలే ఇస్కో ఖతమ్ కరో ఫిర్ ఆగే జావో శ్రీరామ ఆప్ కహోగే నా నీ మేరా పేట్ భర్ గయా మే ఔర్ నీ ఖా సక్తా బోలే ఆప్ ఖావో జగహ బన్ జాయేగీ ఆప్ పూరా ఖాగే प्लेट को वहाँ रखो, तो इसलिए उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। पहले थोड़ा कम ले लो, जितना जैसा टेस्टी है कम तो बंदा खा नहीं पाएगा, ज्यादा ही खाएगा। इनका मन तेलुगु वार एवरना अन्नदाना ने सहकरिंचाल्सिन वाळ्ळु रंडी, धीरे धीरे ज्यादा ले लो। आंध्र నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వెంకటేశ్వర రావు लोग सोचते हैं लाइन लंबी है प्लेट को भर लें, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। रीफिल के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रीफिल का मतलब अगर आपने एक रोटी खा ली, दो खा ली और लेनी है तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी, उसके लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको। तो आप थोड़ा थोड़ा लें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ और पूरा खा के ही जाएँ। तो भाई सोने की तैयारी, मैंने कम्बल उम्बल ले लिए हैं, या मैं सोऊँगा आराम से। ये आए हुए हैं आंध्र प्रदेश से। मेरा नाम रुद्रमूर्ति स्वामी है। अच्छा जी, क्या नाम है? रुद्रमूर्ति स्वामी, राइट? पुलिवेंद्रा कडपा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आंध्र से आए हैं 150 लोग और 3 बसों में। भाई साहब हिम्मत चाहिए, वैसे बहुत दूर है आंध्र यहाँ से ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, वो आप कर ही दोगे, इसमें क्या शर्माना। तो मिलता हूँ फिर आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।